पूरे देश भर में आज अनंत चतुर्दशी की धूम है। 10 दिनों के पूजा पाठ के बाद आज भक्त पूरे देश भर में बप्पा को भारी मन से विदाई दे रहे हैं। और जब गणेश उत्सव की बात होती है तो मुंबई पूरे देश भर में आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें मुंबई के गिरगांव चौपाटी की दिखा रहा हूँ। इस वक्त रात के 11 बजे का समय हो रहा है और आप देखिए कि इस वक्त भी लाखों की संख्या में भक्त मुंबई की सड़कों पर हैं और बप्पा को विदाई दे रहे हैं। हर्षोल्लास का एक तरफ माहौल है, वहीं दूसरी तरफ भक्तों के मन में इस बात का गम भी है कि बप्पा जो है अब जा रहे हैं। इसीलिए भक्त बप्पा से यही विनती कर रहे हैं कि बप्पा, आपने जिस तरीके से इस साल हमारे कष्टों को हरा, हमारे दुखों को हरा और हमारी सभी मन्नतें मानी, ठीक इसी तरीके से आप अगले साल भी आइएगा और हम फिर से इसी तरीके से आपका स्वागत करेंगे। जिस तरीके से बप्पा की स्वागत की गई थी, उसी तरीके से बप्पा को विदा किया जा रहा। आप देखिए कि किस तरीके से मुंबई के अलग अलग पंडालों से यहाँ पर अलग अलग गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, जिन्हें अब से कुछ ही घंटों के बाद गिरगांव चौपाटी में विसर्जित किया जाएगा। और लालबाग के राजा, जो मुंबई में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं, उनका विसर्जन कल सुबह होगा। लेकिन इससे पहले लालबाग के राजा के विसर्जन से पहले कम से कम 10 से 15 हज़ार गणेश मूर्तियाँ गिरगांव चौपाटी में विसर्जित की जाएगी। और इसके लिए जो पुलिस है, मुंबई पुलिस, उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मुंबई भर में 30 हज़ार से ज़्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ BMC ने अपनी अलग तैयारियां की हैं, अलग अलग जगह पे जो है वो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टरों की टीम की भी तैनाती की गई है। ये इसलिए क्योंकि अगर किसी भी भक्त को विसर्जन यात्रा के दौरान मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो उन्हें मेडिकल हेल्प जो है वो मुहैया कराया जाए। तो विसर्जन को देखते हुए एक तरफ जहां मुंबई पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी तरीके का अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP News, मुंबई।